मुंबई बॉलीवुड का शहर जिसे हम माया नगरी भी कहते हैं। एक लड़की जो मुंबई तो आई थी बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने, लेकिन उसने एक भी मूवी में काम नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर एक मूवी बन गई, राम गोपाल वर्मा की नॉट अ लव स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडियन कनाडा मूवीज में छोटे रोल करने वाली एक एक्ट्रेस मरिया सुसैराज की। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है कोची में रहने वाली मरिया सुसैराज और उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू से। जेरोम मैथ्यू जो इंडियन नेवी में सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर थे। दोनों कोची में पैदा हुए, एक साथ स्कूल गए, कॉलेज गए, दोस्ती हुई और दोस्ती वक्त के साथ प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मरिया बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए वो सन 2007 में मुंबई में शिफ्ट हो गई। मुंबई में शिफ्ट होने के बाद मारिया अपना स्ट्रगल शुरू कर देती है, अपने ऑडिशंस देती है, स्ट्रगल करती है। और उसी स्ट्रगल के दौरान मारिया की मुलाकात हुई मुंबई में रहने वाले नीरज ग्रोवर से। नीरज ग्रोवर टीवी जगत का एक जाना माना चेहरा था। उसने शाहरुख खान के एक सीरियल क्या पांचवीं पास से तेज है उसमें प्रोडक्शन हाउस का काम किया हुआ था। और एक ऑडिशन के दौरान ही मरिया की मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। उन दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई, लेकिन मरिया का रिश्ता मैथ्यू के साथ पहले जैसा ही था। तभी मारिया ने सन 2008 में एक नया फ्लैट किराए पर लिया। मुंबई में उसकी कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सहेली से गाड़ी मांगी और नीरज से शिफ्टिंग के लिए मदद मांगी। 6 मई 2008 जब नीरज मारिया के घर में शिफ्टिंग के लिए हेल्प कर रहा था, उसी रात तकरीबन 9:30 बजे कोची से मैथ्यू ने मारिया को कॉल किया। दोनों आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी मैथ्यू को वहां पर किसी तीसरे इंसान के होने का शक पैदा हुआ। पूछने पर मारिया ने बताया कि ग्रोवर उसकी हेल्प करने के लिए आया हुआ है, लेकिन मैथ्यू जो कॉलेज के दिनों से ही एक शक्की किस्म का लड़का था, उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो तुरंत गुस्से में आ गया। उसने मारिया को बोला कि नीरज को जल्द से जल्द अपने घर जाने के लिए बोले और उसको ये कह दे कि जो भी हेल्प करनी है वो अगली सुबह आके करे। मारिया ने उसको समझाने की कोशिश की और उसके बाद में फोन काट दिया। देर रात हो चुकी थी, नीरज ने मारिया के घर पर ही रात बिताने का फैसला किया और दोनों वहीं पर मारिया के घर में ही रह गए। लेकिन उधर कोची में मैथ्यू की हालत कुछ और थी। वो पहले से ही एक शक्की किस्म का इंसान था और वहां पर मुंबई में नीरज के मारिया के घर होने की वजह से उसका शक गुस्से में बदल गया। उसने तुरंत रात के वक्त ही कोची से मुंबई फ्लाइट बुक कर ली और अगली ही सुबह तकरीबन 6:30 बजे वो मुंबई पहुंच गया। उसको मारिया का नए फ्लैट का एड्रेस मालूम था। वो सीधा 7:30 बजे सुबह को मारिया के नए फ्लैट पर पहुंच गया। उसने डोर बेल बजाई और जब मारिया ने दरवाजा खोला उसने मैथ्यू को पाया। मैथ्यू को वहां पर पाकर मारिया बहुत ज्यादा हैरान थी और मारिया को समझ चल गया था कि ये एक शक्की किस्म का लड़का है। इससे पहले कि मारिया कुछ कहती कुछ बोलती, मैथ्यू ने मारिया को धक्का दिया और घर में घुस गया। वो सीधा बेडरूम में गया और वहां पर जब उसने नीरज को देखा उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। दोनों में हाथापाई हुई। नीरज ने समझाने की कोशिश की लेकिन मैथ्यू कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। दोनों में हाथापाई हुई और तभी मैथ्यू के हाथ में एक छुरा लग गया, एक बड़ा छुरा, और उसने ताबड़तोड़ नीरज पर वार किया। कुछ ही मिनटों के बाद नीरज की वहीं पर मौत हो गई। मारिया जो सब कुछ देख रही थी उसने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन मैथ्यू ने उसको धमकाया हुआ था कि अगर तुम बीच में आई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा।
ये बात सुनकर मारिया डर गई और वहीं पर खड़ी रही, सब कुछ देखती रही। कुछ वक्त के बाद वो दोनों ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। तभी जब मैथ्यू का गुस्सा ठंडा हुआ, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है, उसने एक मर्डर कर दिया है। और अब पकड़े जाने का भी डर था। और वहीं से ही मारिया की कहानी शुरू हुई। मारिया अगर चाहती तो वो उसी वक्त पुलिस को कॉल कर सकती थी, लेकिन उसने उस वक्त मैथ्यू का साथ देना सही समझा। दोनों 10:30 बजे एक शॉपिंग मॉल गए। वहां से उन्होंने प्लास्टिक के दो बड़े बड़े बैग खरीदे, एक नया नाइफ खरीदा और एक चादर खरीदी। उसके बाद फ्लैट में वापस आकर दोनों ने नीरज की लाश को वॉशरूम में रखा और वहीं पर नीरज की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। उस वक्त ये अफवाह फैली थी कि उन्होंने 300 से भी ज़्यादा टुकड़े किए, लेकिन पुलिस का मानना है कि उन्होंने 110-120 टुकड़े किए हुए थे। दोनों ने नीरज की लाश के टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में रखा, घर को एकदम अच्छी तरीके से साफ कर दिया, अपने फ्लैट को एकदम अच्छी तरीके से साफ कर दिया और उसके बाद अपनी सहेली की गाड़ी जो मारिया के पास थी उसमें प्लास्टिक के बैग्स को रखा और वहाँ से निकल गए। सबसे पहले उन्होंने 2 गैलन पेट्रोल खरीदा। वक्त बीत रहा था, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात, और तभी वो मुंबई में इलाके थाने में पहुंचे। सुनसान सा एरिया देखकर, वहां पर एक जंगल भी है, वहीं पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और मौका पाते ही उन प्लास्टिक बैग में पेट्रोल की मदद के साथ आग लगा दी। वो कुछ वक्त वहीं पर रुके और जब देखा कि एकदम लाश डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तभी वहां से निकल गए। वो दोनों देर रात के वक्त अपने फ्लैट में दोबारा पहुंचे और उन दोनों ने अपनी रात वहीं पर बिताई। अगली सुबह 8 मई की सुबह मैथ्यू कोची वापस चला गया और मारिया उसी घर में रुकी। लेकिन उधर नीरज, जो पूरा एक दिन से लापता था, उसके दोस्तों को चिंता होनी शुरू हुई। 9 मई 2008 नीरज के कलीग्स ने पुलिस में FIR दर्ज की। नीरज को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और सबसे पहले पुलिस ने नीरज के मोबाइल के लोकेशंस को देखा। मारिया का यह बयान था कि नीरज उसके साथ 6 मई रात के 9:30 तक था, उसके बाद वो अपने घर चला गया। लेकिन नीरज के मोबाइल का लोकेशन यही बता रहा था कि वो 7 मई को भी वहीं पर था, मारिया के घर में। तभी पुलिस का शक सीधा मारिया के आ गया। तभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के साथ बातचीत की। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि मारिया और उनका एक मेल फ्रेंड 2 प्लास्टिक के बैग के साथ निकला था और वो देर रात को घर में वापस आए। और तभी पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। उन्होंने मारिया को उठाया, उसके साथ पूछताछ की और जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती बरती, तब मारिया टूट गई और उसने अपना सारा सच उगल दिया। पुलिस ने मारिया को उसी वक्त हिरासत में लिया और कोची से उसके बॉयफ्रेंड मैथ्यू को भी अरेस्ट किया। दोनों पर केस हुआ। मारिया को सबूत नष्ट करने के जुर्म में 3 साल की सजा मिली और उसके बॉयफ्रेंड मैथ्यू को गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 साल की सजा मिली। सन 2011 में मारिया अपनी सजा पूरी करके वापस आ गई और सन 2018 में मैथ्यू भी जेल से छूट गया। इस सारे केस के दौरान नीरज के माता पिता बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। नीरज के माता पिता इसे बहुत कम सजा बोल रहे थे, लेकिन कोर्ट का ये मानना था कि ये प्री प्लान मर्डर नहीं है, ये गैर इरादतन हत्या है। नीरज का मर्डर हुआ, मैथ्यू ने पहले से ही प्लान नहीं किया हुआ था कि वो जाकर नीरज को मारेगा, लेकिन जो सिचुएशन हुई, नीरज जेलसी में था, शक था, गुस्से में था, इसलिए उसने गैर इरादतन हत्या कर दी। इसके बाद नीरज के माता पिता हाई कोर्ट जाना चाहते थे, लेकिन
आर्थिक मंदी के कारण वो नहीं कर पाए और ये दोनों 3 साल और 10 साल के बाद जेल से छूट गए। तो दोस्तों ये थी कहानी नीरज ग्रोवर के मर्डर केस की, जिसकी लाश के 100 से भी ज़्यादा टुकड़े किए गए। क्या ये सज़ा काफ़ी थी, क्या ये सज़ा कम थी, आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।